लॉकडाउन की वजह से अयोध्या से लेकर बाराबंकी के बॉर्डर तक हमारे संवाददाता जब ये देखने निकले कि लॉकडाउन का पालन किस प्रकार किया जा रहा है तो क्या देखने को मिला, आइए दिखाते हैं। अगर कोई वाहन दिख रहा है तो उस पर पास है, बिना पास के कोई भी गाड़ियां बाहर नहीं चल रही या कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहा। सड़कों पर मात्र पुलिस बल के वाहन, एम्बुलेंस में राशन पहुंचाने वाले वाहन ही दिख रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी प्रकार लॉकडाउन का पालन 3 मई तक अच्छे तरीकों से किया जाएगा। लॉकडाउन को लेकर हमारे ब्यूरो संवाददाता बद्री विशाल तिवारी ने क्या कहा, पेश है एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं बद्री विशाल तिवारी, नेशनल खबर 9 जिला ब्यूरो अयोध्या। आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से हम सभी लोग इतने बाधित हो रहे हैं, जिसको प्रतिदिन घर पे रुकना नहीं रहता था, आज वह घर पे रुक रहा है, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से ये विश्व जो है बहुत खतरे में है। और इस खतरे को बढ़ाते हुए देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल 10 बजे लाइव आकर लोकेशन को बताया था, जिस प्रकार हम लोग इतने परेशान चल रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। मैं वहीं अभी पहुंचा हूं, महोली क्षेत्र में, जो कि यह अयोध्या रूट मार्ग होते हुए ये 4 लाइन है और ये 4 लाइन जाती है लखनऊ को। मैं दिखाना चाहता हूँ कैमरामैन से कि यहाँ पर जिस प्रकार ये गाड़ियां चल रही हैं वो सिर्फ आपातकालीन सेवाएं, जैसे एम्बुलेंस हो रही हैं या कोई अन्य कारण से जा रही हैं गाड़ियां, और इस रोड पे कोई सुनसान नहीं, कोई नहीं दिखाई देता है, कोई नहीं दिखाई देता है। और जो कि आप, मैं दिखाना चाहता हूँ जिस प्रकार मैं अभी इस वक्त पहुंचा हूँ, यहाँ पर दूर मतलब दूर दूर से कोई भी नहीं है, और अगर कोई व्यक्ति है तो एम्बुलेंस एक जिस गाड़ी का पास बना हुआ है वही दिखाई देता है। मैं ये भी प्रश्न करता हूँ कि आप अगर घर में रह रहे हैं, जो रामायण चल रही है या जो महाभारत चल रही है, इस शो का आप लाभ उठाते हैं ये हमको पता भी है, पर हमारे पूरे नेशनल खबर 9 के परिवार की तरफ से भी पता है कि आप ये पालन करते हैं। जिस प्रकार मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो कि महोली क्षेत्र है, महोली क्षेत्र में चारों तरफ पूरा कोई नहीं दिखाई दे रहा है, किसी व्यक्ति का वो नहीं, रुख नहीं हो रहा है कि मैं घर से अपने बाहर चलूं। मैं अभी अपने क्षेत्र ऑफिस से अयोध्या से लेकर मैं अपने इस बाराबंकी बॉर्डर को छूते हुए मैंने देखा कि कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और यह बहुत सुंदर है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि आप सभी लोग घर में रहिए और सात वचन दिए थे। जिस प्रकार हम लोग शादी में सात वचन देते हैं, उसी प्रकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सात वचन दिए थे कोरोना को लेकर। आप सबसे पहले अगर घर से बाहर निकलते हैं तो सैनिटाइजर लेकर चलिए, सैनिटाइजर हाथ में करके चलिए, मास्क को लगाकर चलिए। मास्क नहीं मिलता है तो आप जो है अपने मुंह पर अंगोछा बांध के चलिए। अगर अंगोछा बांधते हैं तो आपके जीवन में, देखिए ये एक जीवन है जो कि बहुत कठिन परिस्थितियों से मिलता है, हम लोग इस परिस्थितियों में जो गुजर रहे हैं, हमको भारत को जिताना होगा, भारत को जिताने के बाद में हमको इस क्षेत्र को आगे लेकर जाना है। दूसरी तरफ विधायक बीकापुर शोभा सिंह चौहान, विधायक प्रतिनिधि अमित सिंह चौहान के कार्यभार को देखने वाले आशुतोष मिश्र अनुपम ने हमारे संवाददाता बद्री विशाल तिवारी ने जानकारी ली कि लॉकडाउन के पालन किस प्रकार कराया जा रहा है और उनके क्षेत्र में क्या क्या मदद की जा रही है। यह जानकारी लेते हुए उनके क्षेत्र का जायजा भी लिया गया और यह पूछा भी गया कि आप प्रतिदिन कितने गाँवों को मदद पहुँचाते हैं। देखिए बातचीत के अंश। जिस प्रकार लॉकडाउन की वजह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, आइए मान भाव जी से हम परिचय जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशुतोष मिश्रा अनुपम बढ़ता है, माननीय विधायक बीकापुर श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी का आज देखता हूँ। सर ये बताइए कि जिस प्रकार गाँव में देख रेख हो रहा है लॉकडाउन का, कोई गरीब जो है कोई परेशानी से गुजर रहा है, उसकी किस प्रकार आप मदद करते हैं? देखिए माननीय विधायक जी का एक ही उद्देश्य है जी, पूरी विधानसभा में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए जी। माननीय विधायक जी पुलिस का निरीक्षण कर रही हैं, डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी जो उनके प्रतिनिधि हैं और शोभा सिंह चौहान जी के जो प्रतिनिधि है सुभाषा श्रीवास्तव जी भी, और मैं स्वयं, और हमारी पूरी आईटी की टीम, पूरी युवा वर्ग की टीम पूरी बीकापुर विधानसभा में भ्रमण करके उनसे जानकारी लेकर के हम लोग पूरी तरीके से तत्पर है हमारी विधानसभा में कोई भी भूखा ना सोए, हर तरीके से आर्थिक रूप से अनाज हो। ये बस हम दिखावा नहीं कर रहे हैं कि हाँ हमने सोशल मीडिया में इतना यहाँ दिया इतना वहाँ दिया, हम लगातार बीकापुर विधानसभा के जितने भी अधिकारी हैं सबसे बात करके, सबसे संपर्क स्थापित करके सभी को ये प्रयास कर रहे हैं कि अंतिम पायदान तक कोई भी भूखा ना सोए, हमारी प्राथमिकता में शामिल माननीय विधायक जी के लिए और हम और हमारी पूरी टीम लगी हुई है। सर ये बताइए कि जिस प्रकार गाँव में जो है राशन वितरण हो रहा है या सैनिटाइजर हो रहा है, मास्क वितरण हो रहा है, क्या आपकी तरफ से कितने हो रहे हैं?
देखिए काफी हुआ है और हमारी पूरी विधानसभा में जो है चल ही रहा है। राशन वितरण कुछ हमारे यहाँ कुछ शिकायत आए थे कोटेदारों की, हमने तत्काल बात करके जो है जो गरीब है उनको कोई असुविधा ना हो, कोटेदारों से बात करके अधिकारियों से बात करके उसको तत्काल जो है सही से उसका वितरण हो ये सुनिश्चित कराया है। सर ये आप बताइए कि आप प्रतिदिन जैसे गश्त के लिए निकलते हैं, बाहर निकलते हैं गाँव में, कितने गाँव तक जाते हैं? जी लगभग मेरा प्रयास है, मैं माननीय सुप्रसाद श्रीवास्तव जी अपनी बाइक से जो है और डॉक्टर रवि सिंह चौहान जी भी अपनी बाइक से, फोर व्हीलर के अलावा नहीं है, तो हम लोग प्रयास करते रहते हैं। अभी मैं श्रीवास्तव जी के साथ बैदापुर गया था, देवढ़ी गया था, दक्षिण पारा में दो दिन आए थे, सारंगापुर गए थे, ऐसे तमाम गाँव हैं सोहल और मसूरा के हम लोग प्रधानगंज से जो हमारे अपने लोगों से संपर्क स्थापित करके जो है लगे हुए हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, राशन किट वगैरह उपलब्ध करवा रहे हैं, सारी चीज़ें सुनिश्चित करवा रहे हैं, कोई भूखा ना सो। धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि जो भी गरीब मजदूर है या जो भी परेशानियां से झेल रहा है, और मैं बीकापुर क्षेत्र के जितने भी ग्रामवासी समस्त क्षेत्रवासी हैं उनको यह जानकारी देना चाहता हूँ कि आप जो है अगर कोई भी दिक्कत होती है तो माननीय प्रधान विधायक जी से आप संपर्क कर सकते हैं, और अगर उनसे भी संपर्क नहीं होता तो आप डायल 112 कर सकते हैं और सब जानकारी लेकर अगर आप पूर्णतया अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उस पर आ सकते हैं और पूरी मदद ले सकते हैं।